आपको सबके सामने ऐसे इकरार नहीं करना चाहिए था। क्या सोच रहे होंगे सब? इतनी मुश्किल से मैं शाहजहां को मनाकर लाई थी और आप आयत, मैं यहाँ पे हूँ अभी, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। आप ही हमेशा मुझे समझाने लग जाया करें, इन्हें कुछ मत कहिएगा कभी। ये जब चाहे अपनी मर्जी से लिमिट्स क्रॉस कर सकते हैं, इनकी कोई लिमिट्स नहीं है। इनको इतना भी ख्याल नहीं है कि मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। मेरी वजह से तुम्हारे या तुम्हारे ससुराल वालों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहजहां सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं वो, ठीक है? मुझे नहीं जरूरत किसी की भलाई की, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। देख रही हैं अम्मिया, देख नहीं रही आप कितनी बदतमीज और हठधर्म होती जा रही है ये? लेकिन नहीं, आप सिर्फ मुझे समझाइएगा, क्योंकि इस घर में सबसे गलत सिर्फ मैं होती हूँ, हमेशा गलती मेरी होती है। नहीं बल्कि आप दोनों मिलकर हमेशा मुझे समझ। तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बिला वजह रोकने की? अपने आप को हलकान कर लिया। मैं पहले से ही जानती हूँ उस लड़की की ये सारी हठधर्मियाँ। शरीफ लड़कियों के ये लच्छन नहीं हुआ करते। तौबा तौबा, ना कोई शर्म ना कोई लिहाज। अरे कैसे मुंह फाड़े सब लोगों के दरमियान मॉडर्न जमाने पे लेक्चर दे रही थी। देखो शाहजहां, जिस लड़की के चक्कर में तुम दिल को रोग लगा के बैठे हो ना, वो तुम्हारे काबिल नहीं। बहुत ऊपर की चीज बन गई है, ट्रेलर तो देख लिया ना कल शाम को। बस इसीलिए कह रही, वो स्याह करे या सफेद, तुम नहीं रोकोगे उसे। आखिर उसकी बहन भी तो है छोटी, मजाल है जो उस लड़की को किसी बात से रोक दो और वो दोबारा करने का सोच भी ले। मगर ये लड़की बड़ी दीदा हवाई तौबा है। एक ही बातें बार बार कहते तुम थक नहीं जाती अम्मा? मैं थक गया हूं, बहुत थक गया हूं। मैंने तो ऐसे ही एक बात कह दी थी भाई, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं आइंदा नहीं बोलूंगी। मोहब्बत करते हो मुझसे? बोलो शाहजहां, करते हो ना मोहब्बत मुझसे? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? रुशी बैठ के बात करते, यही बात करते, और जल्दी बोलो मुझे कहीं जाना है।
कहाँ जाना है आपको? जैसे आपकी मंगनी हुई है उससे मिलने? मनुजी, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो जहर अच्छा लड़का नहीं है, वो आपके काबिल नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन कर लेंगी? तुम्हारे कहने से क्या होता है? हकीकत तो सबके सामने ही है ना। क्या नहीं है जहर के पास? इस कदर पैसा है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल है उसका। ये सब कुछ तो मैं ख्वाब में सोचा करती थी, मुझे तो घर बैठे मिल गया। बस यही चाहिए था आपको? एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? अच्छा घर, अच्छा शौहर, गाड़ी, पैसा, नौकर चाकर, ये सब कुछ है उजैर के पास। मुझे तो लगता है मैंने कोई नेकी की होगी जो बैठे बिठाए मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। जाहिरी चमक दमक पे ना जाए आप, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। मुझे लगता है उजैर आपके काबिल नहीं है, उसे शादी ना करें आप पछताएंगी बहुत। तो तुम मुझसे बदला ले रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा ये बात आप मुझसे बोल रही हैं। अरे जी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं सोच सकती हूँ कि तुम किस कदर बेच सकते हो। मुझे यूं जलील मत करो शाहजहां, वरना तुम ये वाला बहुत प्यारा है ना, ये कलर मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। एक काम करती हूँ, मैं रख लेती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप ही के ससुराल वाले तो इतने अमीर हैं, नया ले देंगे उनको आराम से। ये अच्छा है। अच्छा इसका वैसे, अरे हाँ एक बात बता, ये बुंदे आप किसको देने वाली हैं? एक तुम्हें दे दूंगी, एक मेहरू को। एक 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 से क्या फायदा होगा? हर चीज फायदे के लिए तो नहीं होती। बुंदे को देखना, मुझे याद करना और हंसना कि अम्मी ने एक बुंदा मुझे दे दिया, एक मेरू को। अम्मी, इतने अरसे से आपने बुंदे पहन रखे, एक दफा भी मैंने आपके कानों से इन्हें उतरे हुए नहीं देखा। अपनी शादी की पहली सालगिरह से पहने हुए मैंने, मास्टर साहब ने पहनाए थे इस वादे के साथ कि मैंने कभी नहीं उतारूंगी, और मैंने कभी नहीं उतारूंगी, तुम देखना। आपके मास्टर साहब जो थे वो रोमांटिक नहीं थे काफी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हो तुम, हर बार नए अंदाज से मुझे बेवकूफ बना लोगे? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए हो? मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर एतबार किया, तुम्हें एक और मौका दिया। कह दिया जो कहना था, आप पानी पियो फिर बात करते। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे सिवाय सबूतों के। पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा, सबूत है मेरे पास, एक एक सबूत। मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियों की शादी हुई थी मेरे आगे पीछे ही, सबको प्यार नहीं मिलता है, जिन्हें मिलता है उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, दिल नर्म रखने चाहिए, अल्लाह का एहसान मानना चाहिए। बेटे
अरे मेहरू आओ बेटे, देखो तुम्हारे शादी के लिए कपड़े लाए हैं। बाद में देखते हैं। इन्हें क्या हुआ? इनको सही से तय करो, ये क्या कर रही हो? अरे तेरे में मैं तय करवाऊंगी। वाह नुसरत, अगर आप इजाज़त दें तो रस्म शुरू करें। जी जी बिल्कुल कीजिए। एक मिनट, ठीक तरफ हो जाए। आपका नाम सलमा है? जी मेरा नाम है। और आपका नाम उजैर है? जी। आप दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। हमने किया क्या है? लड़कियों को शादी के बहाने अगवा करके स्मगल करने का इल्जाम है आप लोगों पर। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं बीबी। आपका और आपके बेटे का खेल खत्म हो चुका है। बहुत बड़ा गैंग है इन लोगों का। काफी अरसे से हमें इनकी तलाश थी। अब तक न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। रूप बदलना तो इन लोगों का काम है, पर शुक्र करें कि आप लोगों की कोई नेकी काम आ गई। क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? एक मिनट में तुम्हें मरवा सकती हूं। आपको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैडम, लेकिन बहुत जल्द अखबारों की सुर्खियां और टीवी पर यह खबर चलने के बाद सब लोग जान जाएंगे आपको। बड़ी भारी किस्मत लेके पैदा हुई है भाई। बाप की जान तो ले ली, लगता है अब मां की भी जान लेगी। चलो
गिरफ्तार करो इन्हें, ले चलो। चलो बीबी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन जाने आपने बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया हम सबको। अब तो आप खुश हैं ना शाहजहां साहब, इतना बड़ा आपका काम कर दिया है। आप आइए मेरे साथ। नुसरत भाभी, इतनी इतनी छानबीन के बावजूद इतना बड़ा धोखा, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुत बड़ी परेशानी से बच गए। अल्लाह, ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, कैसे किस्मत पाई है आपने, ये परेशानियाँ हैं जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। बताएं भला, एक तलाक याफ्ता लड़की की दोबारा शादी, और वो भी सोचे लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। मैं और आप जानते हैं ना कि सच्चाई क्या है, लेकिन लोग ये दुनिया नहीं देती सच का साथ। हाय बेचारे, ये चार दिन गुजरेंगे नहीं कि फिर उसी कटहरे में आपकी बच्ची बेचारी को, अल्लाह आपको सब्र दे। बार निकलने ना पाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब इतने आसानी से ये लोग बाहर आने वाले नहीं हैं, बहुत बड़ी चार्जशीट है इनके खिलाफ। मेरा दोस्त है बॉबी है। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो मेरा फर्ज था, चलता हूँ। यार तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया ये। हाँ यार, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मेहरू जी को बचाने का, लेकिन ना चाहते हुए भी मेहरू जी के साथ एक बार फिर ज्यादती हो गई। कैसी ज्यादती? अरे तूने जान बचाई है उसकी। देख, कुदरत ने तुझे दोबारा मौका दिया है, जाके हाथ थाम ले उसका, चाहे वो माने या ना माने। तू इतनी भलाई कर रहा है तो इतनी पागल वो भी नहीं है कि ना समझे। तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो वो 10 कदम आगे बढ़ेगी। अरे तू इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? मैं कह रहा हूँ तू जाके बात कर, देख सब ठीक हो जाएगा। तू जा तो सही, देख वो सब जानती हैं तेरी नियत में कभी कोई खोट नहीं था। कैसी बातें कर रही है भाभी? इन हालात में आयत और शाहजहां की शादी कैसे हो सकती है? इसमें मुश्किल क्या है नुसरत भाभी? एक बेटी को ब्याह देंगी ना तो लोगों की जबानें खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगी, मेहरू की तरफ से ध्यान हट जाएगा लोगों का। जो होना था ना वो तो हो चुका, मेहरू की तरफ उठने वाली उंगलियों को तो हम नहीं रोक सकते, मगर आयत को मौजू बनने से जरूर बचाया जा सकता है ना, वो बेचारी भी बिना वजह बदनाम हो जाएगी। अच्छा भाभी,
भाई, मेरा काम था आपको मशवरा देना। बेटियों की माँ हैं आप, ज्यादा बेहतर समझती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब फैसला आपके हाथ में है। आप बच्चियों की बदनामी चाहती हैं या कि अपनी इज्जत बचाना चाहती हैं, ये आपके हाथ में। सोच लीजिए। लग तो नहीं रहे थे ये लोग, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अच्छा हुआ कि शाहजहां ने सही वक्त पे पुलिस को बुला लिया, वरना। लेकिन शाहजहां को उनके बारे में कहां से पता चला? खैर जो भी हो, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जा रही हूँ। आप उदास नहीं हो प्लीज। आप ही जा रही हूँ। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो मेहरू जी का मसला खत्म नहीं हुआ है। बेटा तुम्हें बताया था ना, मैंने बहुत समझाया है नुसरत भाभी को, लेकिन अभी परेशानी में उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी की माँ है ना, जमाने से हालात से डरती हैं, इसलिए चाहती हैं कम से कम एक बेटी तो इज्जत से रुखसत हो जाए। बेटा तो अम्मा मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, जल्दी किस बात की? खाला को क्यों परेशान हो रही है? मैं कुछ जाके बात। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो। आप वो कुछ गलत थोड़ी सोच रही हैं। जवान बेटियों की माँ है, जाहिर है उनकी जगह मैं भी होती तो ऐसे ही वहम करती। अच्छा ठीक है, अगर इतनी परेशानी है तो मेरा निकाह कर दो मेहरू जी से, मुझे मंजूर है। खाला जान से बात करो, मैं मेहरू जी से बात करके आता हूं। हेलो, ये तो कमाल खबर है। आज के दिन में पता लगने वाली सबसे अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
जी, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। वो अम्मा चाहती है कि मैं आयत से निकाह कर लूं, मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नेहरू जी से। नेहरू जी, कुदरत हमें एक मौका दे रही है, हमें गंवाना नहीं चाहिए। आप सुन रही हैं ना मेरी बात? तो तुमने ये सब कुछ इसलिए, और मुझे लगा, तुम्हें क्या लगता कि तुम एक चाल चलोगे और तुम्हारी साजिश का मैं हिस्सा बन जाऊंगी? मैं चाल चल रहा हूं आपके खिलाफ? ये क्या बातें कर रही है मेहरू जी आप? मैं साजिश करूंगा आपके खिलाफ? आप सोच भी कैसे सकती हैं? मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था, आपने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं कह रहा हूं वो लोग ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूं आपके काबिल नहीं, आप सुनती नहीं है मेरी बात। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप जानबूझ के कर रही हैं ये सब कुछ, जैसे आपने ठान लिया है कि मैं जो बात कहूंगा वो गलत है। मेहरू जी, आप मेरी बात तहम्मुल से सुने। आप सिर्फ एक बार मेरा साथ दे दें, मैं ये सब संभाल लूंगा। अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं खाला, क्या इतराज है आपको? इतराज होने ना होने की बात कहाँ है आयत? अभी मेहरू के साथ जो हुआ उसके बाद ये सब कहना बनता है उनका? ऐसे कैसे तुम्हारी शादी अचानक से कर दूं? देखिए मेरी बात सुने, बात सुने, शादी तो होनी है ना, आज हो या कल हो, बात तो एक ही है। अच्छा है ना कि अभी हो जाए? तुम्हें कोई इतराज नहीं है इतनी जल्दी जल्दी में शादी करने पे? अम्मी मुझे क्या इतराज होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ आप जानती हैं। हाँ और अच्छा है ना, हमारा खर्चा ही बच जाएगा। मेहरू जी आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हैं? आप क्यों परवाह करती हैं दुनिया वालों की? मैं क्यों परवाह ना करूं दुनिया वालों की? मैं क्या कहेगी दुनिया कि मैंने अपनी बहन के मंगेतर से शादी कर ली? एक बार फिर तुम्हारी वजह से मैं दुनिया वालों के सामने कठेरे में खड़ी हो जाऊं, ये चाहती हो तुम? तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है मेरा? क्या बुराई है इसमें? क्यों आप इसे बार बार खड़े खड़े जलील कर देती हैं? बहुत ना शुक्रिया आप, थोड़ी कदर करना सीखें। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जात की नफी करके दूसरों को चाहते हैं। बॉबी बात करने दे यार मुझे। अच्छा प्लीज बता दें, प्लीज बता दें कि इसका आखिर कसूर क्या है? आज आप ये बात क्लियर कर दें। अब एक बार बता क्यों? बॉबी चल यार मुझे बात करने दे। बॉबी चल, मैं कह रहा हूं ना, इनको कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह ये बात करने का। मेहरू से बात करते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। उनके पास मत जाइएगा, मैं गई थी अभी उनके कमरे में, बहुत परेशान है वो, उन्होंने मुझे भी बाहर कर दिया, कह रही थी अकेले रहना चाहती हैं। मत जाइएगा। यार अम्मी मैं पहनूंगी क्या? तो टेंशन हो गई है अम्मी, ज्वेलरी वगैरह सब। आप रुके मैं देख के आती हूँ, ठीक है? दो मिनट। खुदा को क्या मंजूर है, तो क्या कर रहा था बाबू? दिमाग ठिकाने लगा रहा था, और क्या कर रहा था? पागल हो गया क्या? तेरी जुबान से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता तो क्या करते हम? तो जान से मार देती, अभी कौन सा जिंदा छोड़ा है उन्होंने? यार शाहजहां मुझसे नहीं होता यार बर्दाश्त। शाहजहां चलो निकाह खां आगे। निकाह खां? तुम्हें बताया था ना नुसरत, भाभी की ख्वाहिश है, जाहिर है उन्हें इनकार तो नहीं कर सकती ना। बॉबी फोन करो दोस्तों को, बुलाओ भाई शाहजहां की शादी, हल्ला गुल्ला करें कोई। शाहजहां की शादी किससे?
भाई किससे? मास्टर साहब की छोटी बेटी से और किससे? लेकिन शाहजहां तो गुड न्यूज़ दो क्या? हाला ने शाहजहां और मेरा निकाह तय कर दिया अभी इसी वक्त। शाहजहां मान क्या? हाँ तो उन्हें क्या इतराज होगा? खाला ने उनसे पूछा, वो तो इतना खुश है फौरन राजी हो गए। ये जोड़ा निकाला मैंने, मैंने सोचा मुझ पर अच्छा लगेगा। वैसे भी अब आपकी शादी तो कैंसिल हो गई है, मैंने सोचा मैं पहन लूं। इतना अच्छा जोड़ा रखा रखा ऐसी खराब हो जाता। अच्छा रहेगा ना? मत पहनो ये जोड़ा। क्यों? ओ खाला बुरा मानेंगी ये सोच रही है ना, है ना? बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगी, उनको क्या बुरा लगेगा। वैसे भी इतने शॉर्ट नोटिस में वो कहां से अरेंज करती इतना अच्छा ड्रेस। अच्छा बताए ना कैसा लग रहा है मुझ पे? अच्छा लग रहा है ना, है ना? इतनी खुश हूँ मैं, आपको क्या बताऊँ। मुझे मुझे चुटकी लाज, चुटकी काटे काटे ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ना तैयार होने जा रही हूँ, ठीक है? आप जल्दी से आ जाए। नुसरत बहन, बड़ा अच्छा फैसला किया है आपने बेटी के निकाह का, कुछ इज्जत रह जाएगी। बेचारी महरू, दो बार शादी हुई मगर घर नहीं बस सका। अगर नसीब में अच्छा लिखा हो तो अच्छा होकर ही रहता है। अब देखे ना, शादी हो रही थी बड़ी बहन की मगर नसीब आयत के खुल गए। शाहजहां भी बहुत अच्छा लड़का है और खुश रखेगा अपनी आयत को। और हाँ, महरू की शादी में आप बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिएगा। आप दो चार जानने वाले हैं मेरे, मैं उनसे जरूर बात करूंगी मेहरू के लिए। देखे बहन, हम दोनों भी बेटियों वाले हैं, अगर हम मेहरू जैसी लड़की के लिए भला करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी बच्चियों के नसीब भी अच्छा करेगा। हाय बेचारी मेहरू, तरस आ रहा है। मैं जरा खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने उस बच्चे की जान बचा ली। जी बस आज लगता है बहुत अरसे के बाद सुकून की नींद सोऊंगा मैं, दिल पर बहुत बोझ था मेरे। तुमने तो बेटा अपनी सारी ज्यादतियों का बदला चुका दिया, अब पुरसुकून हो जाओ। पुरसुकून? पुरसुकून तो मैं तभी हो सकता हूँ जब जब मेहरू मुझे माफ कर दे। अम्मी आप दुआ करें ना कि मेहरू मेहरू मुझे माफ करते, मैंने मेरे अनजाने में उसके साथ बहुत ज्यादती कर दी थी। इंशाल्लाह। ये लड़की भी कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है, पहले तलाक हो गई और फिर शादी होते होते रह गई। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि वो लोग ये शादी कैंसिल कर दें, लेकिन अम्मी मेहरू को जहन्नुम में गिरने से बचाया है मैंने, ये तो कोई ज्यादती ना हुई ना। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। आयत बिन्त जहाज़ अहमद, आपका निकाह शाहजहां वल अहमद खान बायवस हक महर 50,000 रुपये तय पाया है, आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। साइन करो।
शाहजहां वल्द अहमद खान, आपका निकाह आयत बिनत जहाज़ अहमद बस हक महर 50,000 रुपये किया जा रहा है, आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है।